नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका बैटर गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। अभी आप देख सकते हो हमारे स्टूडियो टेबल पर है एक्साइड की 6EL-150L ट्यूबुलर बैटरी और साथ में है एक्साइड का ही GQP इन्वर्टर जो कि कॉपर ट्रांसफार्मर के साथ में आता है। आज इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं इस बैटरी का लोड बैकअप टेस्ट और देखेंगे कि ये बैटरी 300 वॉट के बल्ब लोड के ऊपर कितना बैकअप देगी। बट एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ कि ये वाली जो आप बैटरी देख रहे हैं ना एक्साइड की, ये क्रिटिकल बैकअप एप्लीकेशंस के साथ में यूज़ की जाती है, जैसे कि फायर अलार्म सिस्टम, सिक्योरिटी सिस्टम्स, टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम्स, उसके साथ में इस बैटरी को यूज़ किया जाता है। और उसके साथ साथ आप इस बैटरी को डिफरेंट एप्लीकेशंस के साथ में यूज़ कर सकते हो, जैसे कि अगर आप इसको C10 एप्लीकेशंस के साथ में यूज़ करोगे तो ये 150 AH जनरेट करेगी, और अगर आप इसको C20 यानी कि अपने घर के अंदर आप यूज़ करते हो उसको इन्वर्टर के साथ में तो ये 165 AH जनरेट करती है। एंड सेम गोज विद दी C5 एप्लीकेशंस जहाँ पर ये 118 AH जनरेट करती है। और इस बैटरी को हमने लोड बैकअप टेस्ट से पहले एक बार डिस्चार्ज कर लिया है फुल, और अब हमने इसको चार्जिंग पर लगाया हुआ था, और अभी आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो कि इन्वर्टर की जो लाइट है वो भी ब्लिंक होना बंद हो गई, यानी कि चार्जिंग बंद हो चुकी है। और जो हमारा यहाँ पर वोल्ट मीटर है वो भी आप चेकआउट कर सकते हो कि बैटरी के अंदर जो सफिशियंट वोल्ट्स हैं वो आ चुके हैं, यानी कि बैटरी फुल चार्ज हो चुकी है। तो अब मैं इसके साथ में लोड कनेक्ट कर लेता हूँ और हम स्टार्ट करते हैं लोड बैकअप टेस्ट। सो यहाँ पर अभी आप चेकआउट कर सकते हो कि हमने मेंस को शट डाउन कर दिया है, यानी कि मेंस को कट कर दिया है, और यहाँ पर हमने जो लोड है वो भी अब इसके साथ में कनेक्ट कर दिया है। एक हम 200 वाट का बल्ब यहाँ पर चलाएंगे और साथ में एक 100 वाट का यानी कि 300 वाट का बल्ब लोड, और यहाँ पर मैंने जो क्लॉक है वो भी रख दिया है, इसको मैं ऑन कर रहा हूँ, और अब इस लोड को एज इट इज़ चलने देंगे और देखते हैं कि इस लोड के ऊपर ये बैटरी कितनी देर का बैकअप देगी। और मीनवाइल आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को भी ज़रूर लाइक कर दो। तो दोस्तों, फाइनली हमारा जो लोड बैकअप टेस्ट है वो खत्म हो चुका है, और इस बैटरी ने हमें जो बैकअप दिया है 300 वॉट के बल्ब लोड के ऊपर वो है 5 घंटे 17 मिनट का, जो कि काफ़ी ज़्यादा सही है। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि जो बैटरी है वो 10.5 वोल्ट्स पर कट ऑफ हुई है, यानी कि इन्वर्टर ने बैटरी को 10.5 वोल्ट्स जैसे ही आ गए उसी टाइम पर इसको कट कर दिया ताकि डीप डिस्चार्जिंग में ना जाए। और यहाँ पर जो हमें एनर्जी मिली है इस बैटरी से 300 वॉट के बल्ब लोड के ऊपर वो है 1.15 यूनिट्स, जो कि काफ़ी ज़्यादा सही है। सो आप लोग मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको इस बैटरी का ये बैकअप कैसा लगा, और यहाँ पर जो मेंशन किया हुआ है कि C20 एप्लीकेशंस के साथ में ये 165 AH जनरेट करती है, तो बैकअप टाइम जो हमें यहाँ से मिला है उसके हिसाब से ये उतना AH यहाँ पर जनरेट कर रही है, क्योंकि बैकअप काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिला है। आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपकी बैटरी कितने AH की है और आपको इन्वर्टर के ऊपर कितना बैकअप मिलता है। सो दोस्तों, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर आपको और भी जो बैकअप टेस्ट है वो देखने के लिए मिलने वाले हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।